नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। लालू यादव ने किया यदुवंशियों का अपमान, कहा नरेंद्र मोदी ने। मुंगेर की चुनावी सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजद मुखिया लालू यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि हमें पहली बार पता चला कि इंसानों के भीतर शैतान चला जाता है और अब वो हमारे पीछे पड़ा है। मोदी ने सवाल किया कि जहां शैतान रहने की हिम्मत करता है, ऐसे लोगों के लिए बिहार में जगह हो सकती है क्या। बीफ की बात कर लालू ने यदुवंशियों का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद 35 साल तक कांग्रेस ने और फिर 25 साल छोटे बड़े भाई ने राज किया। 60 साल तक जिन लोगों ने बिहार को लूटा है, वही हमसे सवाल कर रहे हैं। लड़ाकू मोर्चों पर महिला पायलटों की तैनाती पर विचार, वायुसेना प्रमुख ने कहा। भारतीय वायुसेना लड़ाकू मोर्चों पर महिला पायलटों की तैनाती पर विचार कर रही है। वायुसेना प्रमुख अरूप राहा ने वायुसेना के 83वें स्थापना दिवस के अवसर पर गाजियाबाद स्थित हिंडन एयरबेस में वायुसैनिकों को संबोधित करते हुए गुरुवार को कहा कि वायुसेना में महिलाएं मालवाहक विमान और हेलीकॉप्टर उड़ा रही हैं। हम देश की युवा महिलाओं की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उन्हें लड़ाकू मोर्चों में भी शामिल करने पर विचार कर रहे हैं। दूसरे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वायुसेना दिवस पर आज वायुसैनिकों की बहादुरी को सलाम करते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा पूरे साहस और दृढ़ता से देश की सेवा की है। मैं वायुसेना दिवस पर वायुसैनिकों को नमन करता हूं। सांप्रदायिकता पर मोदी की चुप्पी के विरोध में साहित्यकारों का सम्मेलन। देश में बढ़ती सांप्रदायिक घटनाओं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मौन के विरोध में साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटाने वाले साहित्यकार अशोक वाजपेयी 1 नवंबर को लेखकों, कलाकारों और बुद्धिजीवियों का सम्मेलन आयोजित करेंगे। वाजपेयी ने बताया कि यह समय चुप रहने का नहीं है। पूरी दुनिया में लेखकों और बुद्धिजीवियों ने अपने समय में हस्तक्षेप किया है। गुलाम अली को दिल्ली सरकार का न्योता। अरविंद केजरीवाल सरकार ने पाकिस्तानी गजल गायक गुलाम अली को राष्ट्रीय राजधानी में प्रस्तुति देने के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि संगीत की कोई सरहद नहीं होती। शिवसेना के विरोध के कारण मुंबई में उनका कंसर्ट रद्द कर दिया गया था। दिल्ली के सांस्कृतिक मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि पाकिस्तानी गायक का स्वागत है, वह दिल्ली आकर प्रस्तुति दें। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, दुखद है कि गुलाम अली को मुंबई में आने की अनुमति नहीं मिली। मैं उन्हें दिल्ली आने और कंसर्ट करने का आमंत्रण देता हूं। ये थे अब तक के मुख्य समाचार और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।